गणपति बप्पा मोरिया। तो फ्रेंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज है गणेश चतुर्थी। तो हमारे गणेश भगवान आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, और व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये पूरा डेकोरेशन मैंने किया है और मेरी सासू माँ ने किया है, हम दोनों ने किया है। कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। ये पूरा पंडाल हमने बनाया, छोटा सा घर पे बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये रहे हमारे बप्पा, गणपति बप्पा आ गए हैं। गणपति बप्पा देखिए, बप्पा की पानी उतारा जा रहा है और उनका वेलकम किया जा रहा है। मेरे पप्पा का, हमारे पप्पा का, आप सभी हमारे, हम सब एक ही हैं। तो हमारे पप्पा आ चुके हैं और एक्चुअली हम लोग परसों ही ले आए थे तो हमने रखे थे। तो आज सुबह का मुहूर्त था, मतलब 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो हमने स्थापित कर दिया था कलश वगैरह रख के, तो आरती वगैरह कर दी थी। तो ये हमारे बप्पा देखिए मम्मी उतार रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इतने टाइम से दुखी दुख आ रहे थे, बड़ी बड़ी चीजें हो गई थी। तो अभी बप्पा आए तो मन बहुत शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा का वेलकम करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे के खड़े हुए हैं, हम लोग पीछे खड़े थे तो इनको पापा को यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पर देखिए स्थापित कर देंगे। ये जो छोटा सा पंडाल बनाया, छोटू सा पंडाल हम ही लोगों ने बनाया था, तो कैसा लग रहा बताना। और मेरे पापा, आप सभी के पापा कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई फ्रेंड तो वीडियो का एक लाइक तो बनता है पापा के नाम पे, अगर आप लोग पापा से प्यार करते हो तो, है ना। तो ये मेरे पापा हैं, कैसे लग रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, कब से इंतज़ार कर रही हूँ मैं, है ना। ये देखिए पंडाल आप देख सकते हैं, और ये मैं सभी का स्वागत करते हुए, और ये रहे मेरे पापा। तो कैसे लग रहे मेरे पापा। तो मुझे सुबह उतना फूल नहीं मिला था, थोड़े बहुत फूल मिले थे तो मैंने पूजा कर दी है और हवन में शाम को करूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, और गणपति बप्पा मोरिया।